हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीबीएयू लखनऊ की काउंसलिंग अपडेट क्या है अभी करंट की। सीट एलोकेशन मतलब सीट आपका जो मिलेगा कोर्स में, कोई भी कोर्स, आप पॉलिटिकल साइंस, एमएससी, बीएससी कुछ भी कर रहे हो, उसका सीट अलॉटमेंट कब तक होगा, और सीट चूंकि अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद फी पेमेंट आप करोगे, ये सारा प्रोसेस हम जानेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। तो चलिए आपको लिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पे आपके पास पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये है ऑफिशियल वेबसाइट जिसको आप ध्यान से देख रहे होंगे। आप भी इसे सर्च करते रहिए क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो आपको हमेशा ये चेक करते रहना है। ठीक है, आपको ये चेक करते रहना पड़ेगा। कारण क्या है कि अगर आप चेक करते रहोगे आपको खुद आपके पास तक अपडेट मिल जाएगा। देखिए, आप पीएचडी एडमिशंस का भी लॉगिन दिया हुआ है, बीटेक काउंसलिंग थ्रू जेई सीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईसीई एंड एमएई, मतलब ये कैटेगरीज वाइज है, इनका भी 17-8 को है ये चीजें। 10 अगस्त को ये नोटिस आया है, इस चीज को जरा बारीकी से समझिए। 10 अगस्त के बाद जो अगला नोटिस है वो 11 अगस्त को आया है। ध्यान से देखते चलिए, हम एक एक चीज आप तक पहुंचाएंगे, सब्र रखिए थोड़ा, वीडियो को लाइक करते रहिए। अब जो बीटे की काउंसलिंग है वो 17 को है। स्क्रीनिंग कमेटी रिपोर्ट फॉर टीचिंग पोजीशन, वो टीचिंग पोजीशन के लिए एमबीए एडमिशन एंड ऑनलाइन काउंसलिंग थ्रू कैट स्कोर, एमबीए का भी एडमिशन होगा, ये उसके पहले का नोटिस है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे एक्सटेंशन का, रजिस्ट्रेशन का, तो ये जो है बहुत पहले की नोटिस है। तो ये भी आप इससे ये समझ सकते हो ना कि ये भी आपके काम का नहीं है। ठीक है, अब 31 जुलाई का आता है, फिर एडमिशन 25 जुलाई, जुलाई में ही अगर आप देखोगे तो यूजी एंड पीजी, ये दो चीजें आपको परेशान कर रही हैं। यूजी में आप जाओ और इसको खोलने के बाद तीन ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन इन यूजी एट प्रोग्राम 2023-24। एंड अगला क्या है, इसमें देखो तो मैंने ये क्लियर कट बताया था, पहले इसका यूजी वाले बच्चों के लिए 30-7 तक इसको करना था। ठीक है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है फर्दर कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली। देखो आप इस चीज को, आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये देखोगे आप, आपको दिख जाएगा। ठीक है, उनको विजिट करते रहना है रेगुलर अपडेट के लिए। अब इन केस ऑफ एनी क्वेरी कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कंडक्ट टोल फ्री नंबर, एक टोल फ्री नंबर भी उन्होंने दे दिया है, एटलीस्ट उन्होंने ये तो दिया है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का ये सिग्नेचर है। कैंडिडेट्स विल बी एबल टू लॉक देयर प्रोग्राम ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सीयूटी यूजी 2023 रिजल्ट, जो कि हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फी कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन आफ्टर लॉकिंग ऑफ प्रोग्राम। अब यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस की बात की गई है, मुद्दे की बात यह है कि उसके बाद इसमें भी कोई अपडेट आपके लिए नहीं है, यही चीजें आपको मैं समझा रहा हूं। अगर हम बात करें पीजी प्रोग्राम का, तो पीजी प्रोग्राम के बच्चों का 10-8 तक रजिस्ट्रेशन करना था। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरिट लिस्ट निकलती है, पहली चीज। अब प्रोसेस समझो आप, क्या के बाद क्या होगा। रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, जो भी मार्क्स आए होंगे उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट तैयार करके दिया जाएगा, और मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद आपका काम क्या हो जाएगा याद रखिएगा, आपका काम ये होगा मेरिट लिस्ट का जब भी दिन बुलाया जाए, मतलब मान लो 20 तारीख को बुलाया जाए, जिस टाइम स्लॉट में, टाइम स्लॉट दिया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के उस टाइम स्लॉट के बीच में वहां पहुंच जाना है। पहुंचोगे जब आप, तो क्या किया जाएगा, उसमें आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई की जाएगी, टीटीसी जो होगा होगा, नहीं होगा उसका अंडरटेकिंग दे दिया जाएगा। अंडरटेकिंग देने के बाद आपको, अगर आपकी सीट कंफर्म हो जाती है, मान लो आपको पॉलिटिकल साइंस चाहिए और वो आपको नहीं दे पा रहे हैं, सीट फुल हो गया है, तो फिर आप क्या करोगे, तो वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, या तो एडमिशन लोगे या नहीं लोगे जो सब्जेक्ट है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप फी पेमेंट करोगे और अपना सीट कंफर्म करोगे, यही एक पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। इसीलिए मैंने ये सारी चीजें क्लियर कर दी। हाँ, अभी तक, आज 15 अगस्त है, अभी तक नहीं हो पाया है, तो एक चीज ध्यान रखिए। देखिए 17 को आपने देखा था एक चीज की काउंसलिंग है, तो 16-17 तक कुछ ना कुछ अपडेट आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, और 18 या 19-20 इसके ही बाद ये कंप्लीट प्रोसेस शुरू कर लिया जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो 20-25 के बाद काउंसलिंग कर रही है, ऐसी कोई नई बात नहीं है, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है। हाँ, आपने बहुत सारे यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया होगा, किसी का डेट किसी के साथ मैच नहीं करना चाहिए,
क्योंकि दो तीन यूनिवर्सिटी का एक साथ मैच कर जाएगा तो फिर बच्चे अगर दो तीन अप्लाई किए होंगे तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आया? तो आपको यही करना है। आई थिंक ऑल डाउट्स इज क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।